नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी कोरोना के पीड़ितों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो लोगों को परेशान तो कर ही रही हैं, साथ ही हैरान भी कर रही हैं। दुनिया भर में कोरोना को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। भारत में भी लोग कोरोना के बाद नॉनवेज से दूरी बना रहे हैं और इसका असर भी अब नजर आने लगा है। कोरोना की वजह से चिकन के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं इसके विकल्प के तौर पर कटहल की मांग बढ़ गई है, जिससे इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना का खौफ छाया है। सुपर पावर चीन और अमेरिका भी कोरोना वायरस के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। भारत में कोरोना धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है, लेकिन कोरोना के साइड इफेक्ट्स अब रसोई और लोगों के स्वाद पर भी नजर आने लगे हैं। चिकन का व्यापार करने वाले व्यापारी उदास हैं, क्योंकि कोरोना के खौफ की वजह से अब लोगों के किचन से चिकन कुकड़ू की आवाज नहीं आ रही। अपनी भूख और स्वाद का इलाज लोग शाकाहार में तलाश कर रहे हैं। इसके बाद चिकन का धंधा तो मंदा होना ही था। कोरोना वायरस के खौफ के बीच नॉनवेज नहीं खाने की अफवाह बाजार में फैल चुकी है। चिकन के डिमांड कम होने की वजह से इसके दाम में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिजनेस में तो पूरा तरह का फर्क पड़ गया। पूरी तरीके से समझिए, पोल्ट्री फार्म का भी जो बिजनेस था वो डूब गया, वो गरीबी के कगार पे आ गया। बोलो, खुदरा मार्केट में चिकन 200 रुपए किलो तक मिलता था। कुछ दिनों पहले होलसेल मार्केट में चिकन की कीमत 110 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन अब होलसेल में चिकन के दाम 35 से 50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं मिल रहे। रेट बहुत कम में बिक रहा है। अभी होली का बाजार भी हम लोग का खराब हो चुका है, वैसा कुछ बात नहीं है। में क्या है, ये कच्चा आइटम है, अगर ये नहीं बिकेगा तो दो दिन में तो ऑटोमेटिक ये मर जाएगा, इसलिए हम लोग कम रेट में निकाल दे रहे हैं। हालांकि कम रेट पे भी नहीं बिक रहा है, हम लोग को डेली मतलब 10 पीस 5 पीस डेली मर ही जा रहा है। जिन व्यापारियों ने लाखों रुपए लगाकर इस व्यवसाय को शुरू किया, अब उनके लिए लागत निकालना मुश्किल है। व्यापारी लोगों को बता रहे हैं कि वो खुद चिकन खाते हैं, लेकिन कोरोना के खौफ से कोई भी चिकन घर लाने के लिए तैयार नहीं। फर्क पड़ा है कि जो सेल हमारा होता था 20 से 25 क्विंटल, ये ऐसा हाफुआ उड़ा, इसमें कुछ ही नहीं है। फिर भी जानते हैं इतना हवा उड़ गया कि सेल बहुत दब गया है, 3-4 क्विंटल बेचना मुर्गी मुश्किल हो जा रहा है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे किस तरह चिकन के साथ साथ मुर्गी के अंडों से भी लोगों का मोह भंग हो रहा है। महाराष्ट्र के पालघर के पोल्ट्री मालिक सुरेश भाटलेकर ने अपने पोल्ट्री फार्म के 9 लाख से ज्यादा अंडे जमीन में गाड़ दिए। एक अंडे की कीमत बाजार में लगभग 5 रुपए होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं सुरेश भाटलेकर ने कितना बड़ा नुकसान सहा। अंडों के साथ साथ 2 लाख चूजे भी जमीन में दफन कर दिए गए, क्योंकि कोरोना की वजह से इनके खरीदार नहीं मिल रहे थे और इन्हें रखना भी पोल्ट्री फार्म मालिकों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। कोरोना की वजह से लोगों ने अब शाकाहार का रुख करना शुरू कर दिया है। अब चिकन और मटन की जगह लोग सब्जी खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए कटहल चिकन का विकल्प बनकर उभर रहा है। यही वजह है कि मार्केट में चिकन सस्ता होता जा रहा है, वहीं कटहल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में कटहल के दाम 140 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। कुछ इलाकों से कटहल गायब हो गया है। रांची में भी दुकानदारों को कटहल के दाम और दिनों से ज्यादा मिल रहे हैं। कटहल का इस्तेमाल किया जा रहा है डेफिनेटली, वो इसलिए क्योंकि वो टेस्ट वाइज भी बिल्कुल मीट का सब्स्टिट्यूट होता है थ्रू टेस्ट बर्ड्स ऑल्सो, इसीलिए हमें ज्यादा कटहल ज्यादा प्रेफरेंस पे आ रहा है बाकी सब वेजेस को कम करते हुए, क्योंकि जो नॉनवेज के शौकीन है वो समहाउ अपना डाइट कॉन्शियस होते हुए डाइट को मेंटेन करते हैं एंड दे वांट अ फील ऑफ बीइंग इन अ नॉनवेज जोन। इधर कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को शाकाहार अपनाने की राय दे दी है। फिलहाल कोरोना की अफवाह से पोल्ट्री फार्म उद्योग की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर ज्यादा दिनों तक कोरोना का कहर बरपा और लोगों ने चिकन और अंडों से दूरी बनाकर रखी, तो इस उद्योग से जुड़े लोगों की हालत और खराब होगी। रांची से कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।